जीतावास में बनास नदी के तेज बहाव में नहाते दौरान डूबे युवक का शव 22 घंटे बाद मिला। खबर रेल मगरा की है, जहां थाना क्षेत्र में जीतावास से जीवाखेड़ा के मध्य स्थित बनास के पुल पर बनास नदी के तेज बहाव में नहाते दौरान डूबे युवक का 22 घंटे बाद घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर शव मिला। रविवार दोपहर को करीब 1 बजे बहती बनास नदी में नहाते दौरान जीतावास गांव का श्रवण कुमार जाट उम्र 20 वर्ष डूब गया था। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर शव तलाश करने के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर राजसमंद से सिविल डिफेंस व दरिबा से रेस्क्यू टीम मई उपकरण के मौके पर पहुंचकर भरसक प्रयास के बावजूद युवक का शव नहीं मिल पाया। रात्रि को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू को बंद करना पड़ा। शव निकालने के लिए सोमवार सुबह उदयपुर से SDRF की 8 सदस्यों की टीम सहित टीमों ने पुनः संयुक्त रूप से प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान ग्रामीणों ने आशंका यह भी जताई कि शव बनास के तेज बहाव में बहकर आगे भी जा सकता है। इस आशंका को लेकर जीतावास व बामनिया कला के ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए और बहती बनास में एक दूसरे के हाथ को पकड़कर चेन बनाकर पानी में शव तलाश करने के प्रयास किए और सोमवार को दोपहर 11 बजे के करीब घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर युवक का शव मिला। शव को बनास नदी से बाहर निकाल कर एम्बुलेंस की सहायता से रेलमगरा CAC पर पहुंचाया, जहां पर परिजन भी पहुंच गए और जिनका रो रो कर बुरा हाल था। वहीं शव मिलने की सूचना पर तीनों रेस्क्यू टीमों ने अपने प्रयास बंद किए। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया। रेस्क्यू के दौरान रेलमगरा SDM मनसुख राम डामोर, रेलमगरा थाना अधिकारी भरतनाथ योगी, सहायक विकास अधिकारी राजेश जैन, जीतावास सरपंच पूरण जाट सहित ग्रामीण मौजूद थे। अट्ठाईस तारीख की बात है, यहाँ अपने थाने पर सूचना मिली कि एक लड़का नवयुवक है जिसकी उम्र 20 साल है, जो बनास नदी जो जीतावास से गुजरती है, उसके पुलिया से नहाते वक्त अपने दोस्तों के साथ में गया था, वहाँ पानी में डूब गया था, जिसकी देर रात तक अपने थाने से पुलिस स्टाफ और रेस्क्यू टीम वगैरह भी बाहर से बुलाई, जिनके सरगर्मी से उसकी तलाश की गई, मगर देर रात तक उसका पता नहीं चला। आज पुनः उसकी तलाश की गई तो करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर जो बामनिया की तरफ नदी जाती है वहाँ उसकी लाश मिली, जो एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल यहाँ पहुँचाई गई है, जिसकी PM कराया और परिवादी की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज करके जांच जारी की गई है। खड़ बामनिया बी टीम ने कबड्डी का मैच जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। खबर रेल मगरा की है, जहां ग्राम पंचायत खड़बामनिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा में ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ रतन सिंह राणावत की अध्यक्षता एवं हिंदुस्तान जिंक CSR हेड भुवनेश्वर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य रामलाल जाट, पंचायत समिति सदस्य मोहन लाल गाडरी, SMC अध्यक्ष रतन लाल गाडरी, प्रधानाध्यापक मुनेश जाटव आदि मौजूद थे। प्रतियोगिता के प्रथम दिन कबड्डी के रोचक मुकाबले हुए, जिसमें खड़बामनिया बी टीम ने फाइनल में शिवपुरा को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण दर्शक मौजूद थे। झुंडा में ग्रामीण ओलंपिक खेल के खो खो में झुंडा खेड़ी विजय रही। खबर रेल मगरा की है, जहां ग्राम पंचायत झुंडा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त SDM मांगीलाल रेगर,
सुरेंद्र सिंह चौहान, सरपंच मीठू सिंह चौहान, शिव कुमार लाहौटी के आतिथ्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंडा खेड़ी में हुआ प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खो खो में झुंडा खेड़ी एवं माताजी का खेड़ा के मध्य हुआ, जिसमें झुंडा खेड़ी विजय रही। कबड्डी में झुंडा ए एवं झुंडा बी के मध्य हुआ, जिसमें झुंडा ए विजय रही। कार्यक्रम का संचालन हेमंत खटीक ने किया। इस दौरान घनश्याम शर्मा, शिवलाल शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, जगदीश चंद्र पालीवाल, रोजगार सहायक रामचंद्र माली, गणपत जाट, राजेंद्र सिंह, मक्खन सिंह, शंकर सिंह, पूरन शर्मा, शक्ति सिंह चौहान, ओम प्रकाश शर्मा, चेतन शर्मा, कालूराम शर्मा, शंभुनाथ, राजेश राजोरा आदि उपस्थित थे। बामनिया कला में ग्रामीण ओलंपिक खेल में कई रोचक मुकाबले हुए। खबर रेल मगरा की है, जहां सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बामनिया कला में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सरपंच किशन लाल सालवी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य गजेंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि उप सरपंच जगदीश चंद्र मालीवाल, पंचायत समिति सदस्य कैलाशी देवी कुमावत, पूर्व उप सरपंच बालूराम कुमावत, वार्डपंच प्रभुदास वैष्णव, भैरूलाल सुखवाल, वार्डपंच कालूराम कुमावत, मोहनलाल कुमावत, पूर्व सरपंच गौरी शंकर पारेशर, योगेश सुखवाल, शारीरिक शिक्षक ख्यालीलाल विजयवर्गीय आदि मौजूद थे। इसके साथ ही ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता में कई रोचक मुकाबले हुए। रेलमगरा में ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आगाज। खबर रेलमगरा की है, जहां उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का प्रत्येक पंचायत स्तर पर सोमवार को आगाज हुआ, जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर आयोजित खेलों में खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के साथ खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। रेलमगरा पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन सरपंच आशा जाट की अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला परिषद सदस्य हरलाल खटीक, बामाशाह भरत जाट, प्रधानाचार्य सत्यनारायण शर्मा, शिवलाल शर्मा, दिनेश चंद्र जाट, उप सरपंच नवरत्न सेन, मदन लाल धोबी, गोपाल पारिक आदि मौजूद थे। शारीरिक शिक्षक उदयलाल रेगर ने बताया कि रेलमगरा पंचायत से 152 खिलाड़ियों का विभिन्न खेलों में रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से 4 टीमें वॉलीबॉल में, 2 टीमें शूटिंग बॉल में, 4 टीमें टेनिस बॉल क्रिकेट में और 2 टीमें पुरुष कबड्डी में, 2 कबड्डी महिला टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच कबड्डी का हुआ, जिसमें रेलमगरा टीम विजय रही। कार्यक्रम का संचालन हरीश शर्मा ने किया। जवाशा में ग्रामीण ओलंपिक खेल का सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ शुरू। खबर रेलमगरा की है, जहां जवाशा पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच गांगास एवं जवाशा के मध्य कबड्डी मैच हुआ, जिसमें जवाशिया विजेता रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य मोतीलाल सुतार, समाज सेवी चीतरमल जाट, रोशनलाल जाट, उप सरपंच भगवती लाल जैन, भैरूलाल जाट, प्रकाश चंद्र जाट, बंसीलाल जाट, सुनील जाट, हेमराज जाट, मदनलाल जाट, ग्राम पंचायत जवाशिया के सभी विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिकाएं आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता का संचालन रमेश चंद्र वैष्णव, सीताराम धर्मवीर सिंह, संपतलाल शर्मा ने किया।
देरोड़ा ब्लॉक के निकट ग्राम पंचायत विलोदा के मैदान में आज 3 टीम लड़कियों की और 6 टीम लड़कों के साथ में क्रिकेट टूर्नामेंट की हुई जोरदार शुरुआत। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हाईवे के पास में ही जो मैदान बना हुआ है उस पर आज देरोड़ा के क्रिकेट मैच की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम वहां पर 3 टीम लड़कियों की ABC एवं 6 टीम लड़कों की रखी गई। शुरुआत में बी और सी के बीच में मैच हुआ जिसमें सी विजेता रही और उसके बाद ए और सी के बीच में मैच चल रहा है। आइए सुनते हैं इसमें संबंधित पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल का क्या कहना है। 29 अगस्त कल से ग्रामीण ओलंपिक प्रारंभ हुए हैं पंचायत स्तर पर और स्थानीय पंचायत बिलोता के इस क्रिकेट ग्राउंड पर बिलोता के और देलवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम स्तरीय और पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताएँ हो रही है। ग्रामीण के प्रतिभावान खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत उत्साह से साथ में यह नवाचार है उससे बहुत ग्रामीणों में बहुत उत्साह है और खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है। इसमें लड़कियां भी 3 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें इससे उनके जो मनोभाव हैं वो खुलकर बाहर आएंगे, उनकी जो भावना है वो भी बाहर आएगी और एक हिसाब से उनमें जो आगे बढ़ने की जो भावना है वो बलवती होगी